हाय गाइस एंड वेलकम बैक। आई नो आप सब इस वीडियो का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और मैं खुद भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ टू बी फाइनली शेयरिंग दिस वीडियो विद यू ऑल। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। सो शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आउटफिट्स एंड दैट इज सारीज एट वर्क। आई मीन क्या एक्सपेक्ट किया था आपने इस चैनल से। नाउ द फर्स्ट साड़ी दैट आई हैव फॉर यू इज दिस गॉर्जियस टाई एंड डाई जॉर्जेट साड़ी। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसकी साड़ी है और ना ही मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि मैंने साड़ी को क्रॉप टॉप के साथ पहना है। जॉर्जेट साड़ीज वैसे तो हैंडल करना, ड्रेप करना, वॉश करना हर डिपार्टमेंट में काफ़ी ईजी होती हैं, बट आई डू वॉन्ट टू पॉइंट आउट कि ये हल्की सी सी थ्रू होती हैं, विच इज़ वाई आई लाइक वेयरिंग सच साड़ीज विद क्रॉप टॉप्स जो यूजुअल ब्लाउजेस से हल्की सी लंबी होती हैं। दैट वेज यू डोंट एंड अप रिवीलिंग अ लॉट ऑफ योर मिडरिफ एट वर्क प्लेस। ऑल्सो दिस क्रॉप टॉप हैज दिस फोल्ड डिटेलिंग इन द फ्रंट विच आई थिंक काइंड ऑफ लुक्स क्यूट पीकिंग थ्रू द पल्लू। देन फॉर माई बैग एंड शूज मुझे लगा टैन ब्राउन का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है अगेंस्ट द लेमन एंड द येलो एंड द ग्रीन्स ऑफ द साड़ी। देन लास्टली आई डू वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई ज्वेलरी। सो आई एम वेयरिंग सिल्वर इयर रिंग्स बट दे आर एक्चुअली नॉट सिल्वर। इनका मटीरियल ब्रास है विच मेक्स देम वेरी वेरी लाइट वेट, तो आप पूरा दिन भी इनको पहन सकते हो विदाउट हर्टिंग योर एयर लोब्स एंड ऑफकोर्स दे आर मच मच मोर अफोर्डेबल दैन योर यूजुअल सिल्वर ज्वेलरी। नेक्स्ट आई वॉन्ट टू शो यू अनदर कॉम्बिनेशन दैट आई क्रिएटेड यूजिंग माई मॉम साड़ी एंड वन ऑफ माई क्रॉप टॉप्स। What do I say? इससे सस्ता, इससे sustainable क्या तरीका हो सकता है to add freshness to your wardrobe without having to invest in one? Okay, so this saree is actually one of my favorite sarees from mom's wardrobe क्योंकि इस पर फूल पत्ती का काम है which is a craft of India. So इस craft में क्या होता है that fabric के patches are hemmed onto the base fabric to create this design of flowers and stems along the border. बहुत ज़्यादा सुंदर और प्यारा लगता है. And then for the rest of the आउटफिट इट इज़ प्रिटी बेसिक। एक सिंपल ब्लैक बैग है, कंफर्टेबल ब्लैक वेजेस पहने हैं मैंने ताकि पूरे दिन पैर भी और मैं भी कंफर्टेबल रहूं। एंड देन फॉर हेयर दे आर नीटली टाइड इन अ बन। आई डिड एड एन ओवरसाइज्ड स्क्रंची ऑन टॉप ऑफ माय बन। यस दैट्स राइट। और इसी स्क्रंची से रिलेटेड आई डू वांट टू शेयर अ फनी एनेक्डोट। सो द अदर डे आई वाज वेयरिंग दिस स्क्रंची और मैं घर में बैठी थी, माय मदर कॉल्ड एंड इट वाज अ वीडियो कॉल। शी सॉ माय क्रंची एंड शी सेड ये क्या लगा रखा है। मैंने कहा मम्मी आजकल ट्रेंड में है। शी सेड व्हाट। एंड शी कुड नॉट बिलीव क्योंकि मैं एक्चुअली जब स्कूल जाती थी ड्यूरिंग दोज डेज मैं अपने एक हाई पोनी बनाती थी और पोनी में स्क्रंची ऐड करती थी दैट मैच्ड माई स्कूल यूनिफॉर्म। एनी हाउ आई फील दिस क्रंची लुक्स ग्रेट विद साड़ीज। एंड देन फॉर इयर रिंग्स आई एम वेयरिंग दीज टेराकोटा इयर रिंग्स। ऑफिस ज्वेलरी के लिए स्पेशली आई लाइक टू कीप इट लाइट वेट सिंपल येट इट शुड बी चार्मिंग एंड आई थिंक दीज इयर रिंग्स आर एवरी थिंग। लास्टली फॉर दिस कैटेगरी आई डू हैव अनदर साड़ी एंड इट इज़ दिस लेमन चिकनकारी साड़ी। ऐसी लाइट कॉटन साड़ीज काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगती हैं वर्क प्लेस पर। ज्वेलरी में भी यहाँ मैंने कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करी। सो आई एडेड दिस फ्लावर लाइक ज्वेलरी ऑन टू माई साड़ी। इससे क्या हो रहा है, एक तो पिंक बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है ओवर द लाइट कलर ऑफ द साड़ी और साड़ी भी एनहेंस हो रही है बिकॉज ऑफ द पिंक कलर ऑफ द ज्वेलरी ऑल ओवर। आई थिंक इट्स वेरी सटल बट वेरी क्लासी एट द सेम टाइम। आई ऑल्सो लाइक पेयरिंग माई साड़ीज विद लोफर्स स्पेशली ऑफिस या कोई भी फॉर्मल सेटिंग में बिकॉज इट गिव्स द आउटफिट एन एजी लुक एंड इट लुक्स वेरी वेरी स्मार्ट एंड पॉलिश्ड। Then moving on to the second category, it is suit sets. Yes, I feel suit sets एक ऐसी चीज़ है that you can pull off on days जब ज़्यादा time और energy आप invest नहीं करना चाहते in putting together an outfit. So you just grab a suit set and you are done. So the suit sets that I have for you are this gorgeous pink suit set with bottle green dupatta or a yellow for Thursdays. आई नो आप भी ऐसा करते हो क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती थी। एंड देन आई ऑल्सो हैव दिस स्ट्राइप्स सूट सेट। व्हाट डू आई से, स्ट्राइप्स से ज़्यादा फॉर्मल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बट मेक श्योर यू डोंट ऐड अ टोपी विद सच अ सेट और एल्स यू माइट एंड अप लुकिंग लाइक कैदी बाक्सोबीस। Just kidding. Lastly, in this category, I do want to show you this ajrak kurta that I've paired with Farsi pants. Yes, aajkal trend mein hai Farsi pants. Aur Farsi pants kya hota hai? They are like the cousin sister of your regular salwar. Except the fact, salwar ka pocha dheela hota hai, but Farsi pants ka jo pocha hai, the area around the hem,
इट इज अ लिटिल स्ट्रक्चर्ड, तो ऊपर से सलवार लगती है बट नीचे से थोड़ी सी फिटेड होती है. बट डू वन थिंग टू मेक देम लुक अ लिटिल बिट मोर फॉर्मल दैन यूजुअल, एड सम स्ट्रक्चर्ड पीसेस टू द आउटफिट. जैसे इस अजरक कुर्ता और फारसी पैंट्स के साथ आई कैरी दिस स्ट्रक्चर्ड ब्लैक बैग एंड पॉइंटी टो हील्स. ये कुछ ऐसी एक्सेसरीज और एलिमेंट्स हैं जो पूरे आउटफिट में एक फॉर्मलनेस एड करती हैं. नेक्स्ट इज अ कैटेगरी दैट इज माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि मिनिमलिस्ट वार्डरोब यार. फर्स्ट इज दिस वाइट मोनोक्रोम सूट सेट. इस पर वही फूल पत्ती का काम है जो पहले मैंने आपको साड़ी पर दिखाया था. द कुर्ता इज स्ट्रेट फिट एंड द पैंट्स आर सिगरेट कट. बाय द वे दिस काइंड ऑफ कट इज ऑन ट्रेंड एट द मोमेंट एंड इट लुक्स सो गुड बोथ फॉर वर्क या फिर ओकेजन वेयर. फिर एज यू गाइज एक्सपेक्टेड आई वोर द सेम सेट विद एन अजरक मशरूम स्टोल एंड देन विद दिस गॉर्जियस कंथा वर्क स्टोल. बिल्कुल इसी तरह मैंने एक ऑल ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी ट्राई करा. मैं जब ऑफिस जाती थी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं होता था सोचने का कि आज क्या पहनूं, तो मैं कोई भी ऑल ब्लैक या ऑल वाइट कॉम्बिनेशन उठा लेती थी और उसको डिफरेंट डिफरेंट दुपट्टों के साथ पहनती रहती थी. ये बिल्कुल वैसा ही कॉम्बिनेशन है. क्योंकि ये ऑल ब्लैक लुक था तो मैंने इसमें एक कलर ऐड करने के लिए या कुछ डिफरेंट ऐड करने के लिए ये बहुत ही प्यारा कंथा वर्क का टूट ले लिया एज माई बैग. देन आई ट्राइड द सेम कुर्ता विद दीज ऑर्गेन्जा लेस वर्क पैंट्स एंड आई फील ये ऐसी पैंट्स हैं दैट कैन ट्रांजिशन ब्यूटिफुली फ्रॉम डे टू नाइट. फिर ये पैंट्स क्योंकि एंकल लेंथ है एंड वेन एवर द पैंट्स आर एंकल लेंथ दे ऑलवेज ड्रॉ अटेंशन टू योर फुटवेयर. सो आई वोर दीज पॉइंटी टो शूज एंड देन लास्टली आई केप्ट माई बैग ब्लैक बिकॉज आई वॉन्टेड टू ड्रॉ ऑल द अटेंशन ऑन टू माई पैंट्स. मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल कैटेगरी ऑफ दिस वीडियो दैट इज मिक्स इट अप. ओके सो रिमेंबर दिस कुर्ता. मैं लास्ट ईयर जब अमृतसर गई थी तब मैंने ये कुर्ता शरारा पैंट्स और जुत्ती के साथ पहना था. नाउ फॉर अ मोर फॉर्मल सेटिंग मैंने सेम कुर्ते को इन वाइट पैंट्स के साथ पहन लिया एंड दीज आर द सेम पैंट्स जो मैंने वाइट सूट सेट के साथ पहनी थी. द आइडिया बिहाइंड दिस कैटेगरी एंड दिस आउटफिट इज कि ज़रूरी नहीं है हम अपनी क्लॉजेट में कुछ आइटम्स को ईयर मार्क कर दें सेइंग अरे ये मेरे ऑफिस के कपड़े हैं, ये मेरे कैजुअल कपड़े हैं. नॉट एवरी पीस इज टोटली formal and not every piece is totally casual. You can always blur the lines, mix it up, accessories change karo, hairstyle change karo, shoes change karo, and you can transition any piece from like a formal wear to a casual wear and vice versa. Similarly, I wanted to show you this kurta. So back in the day jab main office jaati thi maine ye green angrakha kurta purchase kiya tha aur mujhe ye cut itna pasand aaya tha ki maine indigo fabric purchase kari aur same cut mein ek kurta banwaya aur fir maine is kurte ko wahi white पैंट्स के साथ पहना एंड देन आई रियली लाइक माई ज्वेलरी हेयर. ये टेराकोटा नेकलेस है एंड आई थिंक इट्स गोइंग सो वेल विद द आउटफिट. नेक्स्ट आई वॉन्टेड टू शो अनदर कुर्ता एक्चुअली कफ्तान दैट आई वोर विद दीज वाइट पैंट्स. वैसे तो इस तरीके का आउटफिट आइडियल नहीं है फॉर अ फॉर्मल सेटिंग बट काफ़ी सारे ऑफिसेज में फ्राइडेज और सैटरडेज हल्का सा कैजुअल अलाउड होता है. सो आई थॉट मैं एक ऐसा ऑप्शन भी दिखाती हूँ. कफ्तान्स काफ़ी टाइम से ट्रेंड में हैं चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो. सो दिस इज़ वन आउटफिट इन कफ्तान दैट यू कैन ट्राई. एंड देन लास्टली आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दीज वाइट पैंट्स जो मैं इस तरीके से फॉर्मल वेयर में पहनती थी और फिर मैंने एक नी लेंथ कुर्ती ली और सेम पैंट्स पहन ली. सो लाइक आई सेड अर्लियर कि ज़रूरी नहीं है कि ये मेरी फॉर्मल वेयर की पैंट्स हैं या ये मेरा वेस्टर्न वार्डरोब है, इसको मैं इंडियन के साथ नहीं पहन सकती. आई लव मिक्सिंग इट अप. आई थिंक इट ब्रिंग्स आउट अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फैक्शन एटलीस्ट फॉर मी. आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. मैंने तन मन धन सब तरीके से ये वीडियो बनाया है. सो डू गिव इट अ थम्स अप एंड लेट मी नो कौन सी कैटेगरी कौन सा आउटफिट आपको सबसे अच्छा लगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप ध्यान रखना. बाय.